सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। देर शाम राजपुरा के लक्ष्मी पैलेस में व्यापार मंडल की ओर से वार्षिक बैठक का आयोजन व्यापार मंडल राजपुरा के प्रधान श्री नरेंद्र सोनी, चेयरमैन श्यामलाल आनंद, सीनियर उप चेयरमैन श्री यशपाल सिंधी, जनरल सेक्रेटरी श्री महेंद्र बब्बर, कैशियर श्री नरेश हंस की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में जहां व्यापार मंडल राजपुरा की लगभग 40 एसोसिएशनों को इस बैठक में आने का न्योता दिया गया था, वहीं व्यापार मंडल राजपुरा की ओर से हल्का राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज, उनके पुत्र पीपीसीसी सदस्य सरदार निर्भय सिंह मिल्टी, ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन व कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता श्री जगदीश कुमार जग्गा को भी सरकार बनने के बाद रखी उक्त व्यापार मंडल की इस विशेष बैठक में सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बैठक शुरू होने से पहले यहां पहुंचने पर जहां विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज जी के सुपुत्र सरदार निर्भय सिंह मिल्टी का व्यापार मंडल की ओर से जोरदार स्वागत किया गया, वहीं यहां पहुंचने पर ब्लॉक कांग्रेस प्रधान श्री नरेंद्र शास्त्री व श्री जगदीश कुमार जग्गा को भी व्यापार मंडल के अहदेदारों ने फूल मालाओं के हार पहनाकर उनका स्वागत किया। यहां आपको बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होने की वजह से विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के इस समारोह में ना पहुंच पाने पर कहीं ना कहीं इस बैठक की रौनक में कमी दिखाई दी, मगर बैठक में उनके सुपुत्र पीपीसीसी सदस्य सरदार निर्भय सिंह मिल्टी के दिल्ली से खास तौर पर पहुंचकर सरदार कंबोज की कमी को पूरा कर दिया। इस बैठक में एक के बाद एक वक्ताओं ने व्यापार मंडल को आ रही परेशानियों, जिसमें बाजार में नजायज कब्जों की समस्या, रेडियो की समस्या, पार्किंग संबंधी समस्या व बाजार में सफाई जैसी समस्याओं संबंधी मुख्य मेहमान को अवगत करवाया गया। अब आपको बता दें कि इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि आम वार्षिक बैठक ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया। जब इस बैठक में लोक भलाई ट्रस्ट के चेयरमैन श्री जगदीश कुमार जग्गा ने अपना भाषण शुरू किया और उन्होंने व्यापार मंडल के प्रधान नरेंद्र सोनी द्वारा पिछले समय में व्यापारी भाइयों के लिए दिन रात एक कर उनकी सेवा करने की बात कही, तो व्यापार मंडल में जुड़ी 40 एसोसिएशनों में से लगभग 25 एसोसिएशनों ने भाषण के दौरान ही भावुक होकर दोबारा नरेंद्र सोनी को प्रधान बनाने की अपील करते हुए अपने दोनों हाथ खड़े कर दिए, जिससे अचानक माहौल में गर्मी आ गई, जिस पर उनकी इस अपील को जगदीश कुमार जग्गा द्वारा जल्द ही विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज तक पहुँचाने का वायदा करते हुए जगदीश कुमार जग्गा ने हर समय व्यापारी भाइयों के साथ खड़े होने की भी बात कही। इस मौके पर पीपीसीसी सदस्य सरदार निर्भय सिंह मिल्टी ने व्यापारियों की समस्याओं का जल्द हल करवाने की बात कही व न्यूज 89 द्वारा पूछे गए सवाल, कुछ एसोसिएशनों द्वारा सोनी को दोबारा प्रधान बनाने की अपील की गई है, उस पर उन्होंने इस मामले से अपने आप को दूर बताते हुए यह मामला विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज के ध्यान में लाने की बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिल्टी, तुसी अज व्यापारियों की जी मीटिंग रखी गई थी, इन्होंने अपनी समस्या में दसिया, इस मीटिंग में शमूलियत की है, उस बारे दो शब्द। व्यापार मंडल की समुची टीम वालों हुक्म होया अज की इस एनुअल मीटिंग पहुंचने का, कुछ इशूज इन्होंने साढ़े सामने रखे है रिगार्डिंग चाहे कोई माड़ा मोटा कोई सफाई के कुछ इशूज है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के कुछ इशूज, तो डेफिनेटली मैं MLA साहब के ध्यान लेके आवेंगे, उन्हों का पैरोगेटिव हम कुछ कुछ होर भी एजेंडे से क्योंकि उन्हों का पैरोगेटिव है, एंड मैं जो लगता है कभी वेरी सून विद इन वन वीक जो जो लंबे चौड़े इशूज ने उन्होंने हफ्ता 10 दिन लग जाऊंगा जो स्ट्रेट अवे होने वाले होंगे बहुत जल्दी रिजॉल्व करवा। मिल्टी जी, कुछ मतलब नरेंद्र सोनी जी भी प्रधान बनाने वास्ते अपील की गई है? देखो जी, ऐसा है यह व्यापार मंडल का व्यापारियों का एसोसीएशन का पैरोगेटिव, इन्ना किया जा सकता है कि वी कैन सिट डाउन, सारे बैठ जावे, सारे एसोसीएशन बैठ जाएंगे, समुची टीम बैठ जाएगी, MLA साहब आज मौजूद नहीं सके तो उन्होंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सैशन के उन्होंने मौजूदगी उत्थे जरूरी सी, मैं भी सगो सैशन तो निकल के इतने स्पैशली आया, उन्होंने जिदा मैंने हुक्म किया, इन्होंने सारे का पैरोगेटिव है, ये मैं कुछ नहीं कर सकता है ना, तो मैं एसोसीएशन का प्रधान हाँ ना मैंबर हाँ, तो मैं अपने वालों डेफिनेटली मैं जो हो सकेगा मैं जरूर। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।